दो टायर जलाओ और धरना दे के बैठ जाओ एक कंटेनर ला के खड़ा करो एक साउंड सिस्टम रखो धरना दे के बैठ जाओ जनाब जिस दिन वो बंद करने निकलेंगे उस दिन इन शहरों के लोग निकलेंगे हलवा पूड़ी कर नाश्ता करेंगे शाम को फूड स्ट्रीट में जाएंगे असलम नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जस्टिस सरदार रज़ा खान आज कर दी गई वो शख्सियत है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनका नाम तो तजवीज़ नहीं था किया लेकिन इनके लोगों को ज़्यादा इनके ऊपर एतराज़ नहीं था यह मैं ऑन एयर आपको बाकायदा तस्दीक से बता रहा हूँ कि इनसे मैंने जिनसे भी बात की कि जस्टिस तारिक परवेज़ या सरदार रज़ा के नाम आ रहे हैं नून लीग की तरफ से आपको कोई आपको कोई ज़्यादा एतराज तो नहीं है तो वो कहते थे नहीं काबिल इतराम लोग हैं लेकिन इनका इतरार यही था कि हम जस्टिस नासिर इसम जाहद का नाम दिया बारह लाज जस्टिस सरदार रज़ा का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन मीट हो गई तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के बाकायदा जो मुकर हैं इनके इनफॉर्मल आपस में टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट चल रहे हैं और उम्मीद यह है कि छः दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर वापस आ जाए तो उसके बाद इनका डार साहब का और शाह महमूद क्रैशी साहब का बाकायदा एक राउंड होगा जिसके नतीजे में हमें ये पता चलेगा कि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या ऑफ़र करने की पोजिशन है और क्या उन मुकर के नतीजे में या जो चीज़ें टेबल पर नून लीग रख रही है उसको सामने रखते हुए आर्थ वालिया जो इनका फैसला बाद के अंदर वो कहते हैं कि हमने मेन आर्टिस्ट शहर की ब्लाक कर देनी है पिया जाम कर देना पहिया जाम कहते है नहीं है लेकिन इरादा इनका यही है कि अगर कर सकेंगे तो शहर में ट्रैफिक का फ्लो उस देनी बंद करवा देंगे तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसको बंद करवा दें लेकिन शाह साहब और जहांगीर त्रीन साहब उनसे मैंने जब ये सवाल पूछा कि ये लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं जाएगा तो वो कहते थे कि अगर नून लीग छः तारीख को टेबल के ऊपर एक अच्छी डील हमारे लिए रखती है तो उसकी रोशनी में हम इसको रिकनसडर कर सकते हैं और एक और इजाफ़ा कर दूं फिर हम बाकायदा गुफ्तू का आगाज़ कर देंगे दो बयान आज बड़े इंटरेस्टिंग हैं एक आसिफ अली जरदारी साहब का वो कहते हैं कि दो साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं हालांकि दो साल बादशन का टाइम शुरू नहीं होता और चौधरी शुजात साहब वो कहते हैं कि आइंदा छः से आठ माह बहुत अहम है और हमारे साथ कंसल्टेंसी कंसल कंसल्टे की नहीं गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से लेकिन उन्हें भी हुकूमत के बारे में उनके जो रिमार्क्स हैं वो कहते हैं कि अब री इलेक्शन होगा और ग्राउंड के ऊपर ऐसे बहरहाल कोई सूरत नज़र हमें नज़र नहीं आती इस्लाम स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तु के आजम आजम खान स्वाति साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सैनिटर मुशाह खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग मखदून मखदूम अमीन फ़हीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची से हमारे साथ हैं सबको वेलकम करता हूँ मुशाह साहब आपसे आगाज़ करूँगा पहले तो ये फरमा दीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तहरीकानसाफ़ और अपोजिशन जमातों से बाकायदा कंसल्टे होगी रकम मैं चूँकि उसमें सारा इन्वाल्व तो नहीं हूँ लेकिन एक बात तो बड़ी ओबियस है कि बारह में से ग्यारह लोगों ने इतफाक़ राय से ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको उनका इंतखा किया है जो पी टी आई के टी आई के साहब उसके मेंबर थे वो उसमें नहीं आए लेकिन शुनीद यही है कि कहीं ना कहीं उनसे रबता हुआ और उन्हें कोई एतराज़ नहीं था तो ये लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा काफ़ी अरसे बाद मतलब कि अपोजिशन ने और सियासतदानों ने मैं ये समझता हूँ कि कंसेंसस डेवलप किया है और कंसेंसस डेवलप करना मुश्किल होता है और ये सियासतदानों का काम है माजी में भी उन्होंने किया अभी भी किया और ये बेहतर यानी कि एक इस, इन हालात में जिसमें काफ़ी डिस्टिव बातें हो रही हैं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की बात कम हो रही है तो उसमें ये कंस्ट्रक्टिव डिसीजन है और ये यानी कि इसमें जिन भी लोगों ने हिस्सा लिया है जिन पार्टियों ने उसने उन्होंने ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो सरदार आ, रजा खान साहब हैं ये एक इंशाल्लाह जब ये रिटायर होंगे अपनी मदद पाँच साल पूरी करके तो उम्मीद है कि लोग इनकी मौजूदगी में जो भी इलेक्शन होगा आइंदा वो वो एक तारीखी बेहतर होगा, बेतर होगा हाँ। और ये जो 2013 का जो आज तक के जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इलेक्शन है इसके अंदर भी जो अगर कहीं बेजाबतगियाँ हुई हैं तो उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी और ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है अगले में भी हो सकता है कुछ ना कुछ रह जाए जसवाती साहब से पहले कंसल्टेशन का पूछ लें आपकी जमात से रबता किया नून लीग ने मुशावर किया है देखें जी कल शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे मेरे घर पर थे अमटाबाद में और नाश्ते के बाद हमारी पार्टी की जो डिस्ट्रिक्ट और रीजन की थी उसकी हमारी मीटिंग जारी थी तो दस बजकर बैतालीस मिनट के ऊपर जो है खुर्शीद शाह साहब का टेलीफोन आया और आ, उन्होंने कलम ले के और तीन नाम जो है ये लिखा है रजा साहब पहले और तारक परवेज फिर तीसरे और साथ कह दिया कि जी ग्यारह बजे तक जो है आपने हमें बताना है तो बयालीस और ग्यारह अठारह मिनट के अंदर अठारह मिनट के अंदर जो है आपने कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसके तहत हम आपसे पूछेज ने कहा जी अठारह मिनट में मैं चेयरमैन से बात करूँगा कोर कमेटी से बात करूँगा मेरा कहा यह तो बैठे हुएमेंट के घर पर हुए अपने में ये हमारे लिए है तो इसलिए आपने फैसला चूंकि पहले ही जो है पीपल पार्टी के साथ मिलकर कर लिया है नू लीग और पार्टी। उसके बाद जो है फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर हमसे राय ली और मेरा ये ख्याल है कि राय जितने भी वहाँ पर बैठे हुए लोग थे और उन्होंने बड़ी अच्छी राय जो है दी पहली बात तो ये थी कि चूँकि रजा साहब से मेरे फैमिली टर्म है मेरे दोस्त भी रहे, रहे हैं गाँव के लिए नहीं था अब 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 जो बुनियादी चीज़ ये है ना कि मेरा ये ख्याल है कि हम एक बड़ी अपोजिशन जमात की हैसियत से एक अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस हो जाता तो जिस तरीके से नहीं लेकिन हमने थीक थीक प्रेस रिलीज किया है है तो ठीक दे दे। <laughs> बल्कि एक प्रेस रिलीज भी हमने जारी किया है डॉक्टर शेरी मजारी ने और बाकायदा तौर पर कहा है कि इनकी शख्सियत बगैर किसी उसके है और साथ ये कहा है इसके साथ साथ एक बात जरूर की है कि बाकी जो लोग हैं पे हमें ऐतराज है कम से कम जो है उन चार को हटाया जाए जो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है 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 उसकी उसकी तरफ 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 आते उसकी ता, तरफ ता, आते तरफ अच्छी हैं हैं ताकि मखदूम मखदूम साहब की इशू ठीक जी साहब बहुत शुक्रिया आप भी हमारे साथ हैं हम इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो ये रेस कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं चार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है तब्दील की गई थी पिछली हुकूमत में उसमें अब चेयरमैन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी जस्ट एक मेंबर से ज्यादा पावर एक्सरसाइज नहीं करते उसको ठीक करने की जरूरत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रिब्यूनल को चार माह दिए गए थे डेढ़ साल में फ़ैसला नहीं हुआ इसका भी इल्ज़ाम नून लीग पर लगता है लेकिन उस सिस्टम के अंदर ये कमज़ोरी है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है तो आपका क्या ख्याल है कि नेक्स्ट स्टेप के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के इस ब्रॉडर आस्पेक्ट को एड्रेस कर लें जिसके ऊपर कोई इख्त नहीं है आप तीनों जमातों में मलिक साहब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जस्टिस राजा खान का नाम बड़ा मोतबर नाम है और अच्छा हुआ है कि एक तकरीबन मुतफ़ा फैसला हो गया है इस नाम पर और मेरे ख्याल में कि बड़े अरसे के बाद ये पहला मस्बत कदम है आइंदा प्रोसेस और आइंदा इलेक्शन और आइंदा पोलिटिकल सिचुएशन के लिए इसको जो है वह हमें सबको वेलकम करना चाहिए और उसके साथ जो बाकी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनशूज़ को मैं समझता हूँ कि सर उठाना नहीं चाहिए लेट हम टेक ओवर फिर उनके साथ बैठ के जिन जिनको कोई रिजर्वेशन या कोई प्रपोज़ल है तो उनके सामने रखें और एक मस्वत रास्ते भी चलने के लिए एक सही कदम जो उठाया है उसको सपोर्ट करनी चाहिए हमें हाँ ये तो इन्होंने वेलकम कर दिया लेकिन जो बाकी अराकान की तब्दीली है या इलेक्शन कमीशन की रिस्ट्रक्चरिंग है ये सरदार रज़ा साहब के अख्तियार से बला बाला है ये पार्लिमान का काम है अगर इलेक्शन कमीशन की हैद तब्दील करनी है मेम्बर्स की पावर्स उसके एस ओ पीज तब्दील करने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने बाख्तियार होंगे ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो आरोज़ लगाए जाते हैं क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे ये वो तमाम सवाल हैं जिनको अब आपको एड्रेस करना है ये काम जस्टिस साहब नहीं कर सकेंगे मलिक साहब इसमें यह मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस शख्स को हमने पार्लियामेंट ने और अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है जिस पर सबका इतफ़ाक़ है उसको भी हर कदम पर कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट को ही इसको डील करना पड़ेगा लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे और करना चाहिए ताकि हम आगे बड़े इफ्तार के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ सकें मखदूम से पहले आपसे ये एक और सवाल पूछ लूँ फिर मैं इस्लामाबाद वापस आऊँगा जना को अब तो है कि शायद बाकायदा नून लीग और पी टी आई के मुकर शुरू हो जाएंगे मेरी ज़ाती तौर पर बड़ी ख्वाहिश है कि इनका कोई एग्रीमेंट हो जाए या ये वापस या डी चौक से जाएँ और काम आगे चले अब चार महीने हो गए हैं वो जो इनके इश्यूज़ हैं वो एड्रेस कर लें नून लीग और इनको भी रास्ता मिल जाए और काम भी आगे चल पड़े तो आप क्या तजवीज़ देते हैं इन दो जमातों को मलिक साहब आपके साथ तो मैं शुरू से आपको याद होगा कि यही कहता हूँ कि इस क्राइसिस से निकलने का रास्ता है डायलाग और डायलाग ही एक ऑनरेबल रास्ता होता है जिस जिसपे चलना चाहिए इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है जो फीलिंग हो रही है मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ और इमरान खान साहब की पार्टी वो जहनी तौर पर मैं समझता हूँ कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए उनको हिमताना चाहिए कि भाई बसमल्ला करो आगे बढ़ो और एक सही फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे हम सब सपोर्ट करेंगे सही मुशाह कितनी संजीदगी छः को जब अगर मिलते हैं या सात को मिलते हैं तो टेबल पे क्या रखा जाएगा एक ऐसी एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो बहुत सी चीज़ें ये पहले आप दोनों जमातें डिस्कस कर चुके हैं आपस में देखिए बात यह है कि हम एक संजीदा जमातें हैं एक मेच्योर पार्टी है हम कोई नई पार्टी नहीं है बहुत सारे इस तरह के मामला होते रहे हैं। माजी में भी उसको रिजॉल्व किया पीपल्स पार्टी से मिल के मुख्तलिफ़ अमेंडमेंट्स हुई हैं मुतफ़ा हुई हैं तमाम तर अख्लाफात के बावजूद एटीनथ अमेंडमेंट इसकी बहुत बड़ी मिसाल है फिर निगरान हुकूमत पिछले पीछे जो इलेक्शन में बनी थी वो एक अच्छा भला इशू था लेकिन चीज़ें रिज़ोल्व की हैं हमने और अब भी यानी कि हम हमारी तरफ से कभी भी गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया मैं यानी कि ये लो, लोगों को पता है कि किसने मुजाकर के दरवाज़ों को बंद किया हमने एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जिस दिन हमने ये कहा हो कि हम मुकरत नहीं करते हमने तो ऐसे हालात में कि जब पी टी वी पर हमले हो रहे थे जब पार्लियामेंट में हमले हो रहे थे उस वक्त भी हम मुरात कर रहे थे वो ऐसे हालात थे कि उस वक्त कोई मुझकरा न करता लेकिन हमने उस वक्त भी मुजाक किए उस वक्त भी आप देख लें कि किसने ये कहा कि जी हम मानते ही नहीं इन्हें हम मुजाकर नहीं करते टीम को डिसक्रेडिट किया जो मुजाक कर रही थी उसको ये कहा गया कि जी ठीक है ये जो मर्जी मुजाकर कर लें इमरान ख़ान साहब की तरफ से कहा गया कि जी मैं तो मतलब कि जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे मियाँ साहब मैं इस तरह के मुखरा मानता ही नहीं फिर उसके बाद अभी दोबारा भी आपने देखा कि उन्होंने ही कहा स्टेज से तो इसके बावजूद हम यानी कि इंतहाई संजीदगी से चाहते हैं कि मसला कोई भी है वो कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला भी हो जाता है बातचीत होती है आवाम देख रही है आप कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रोज़ाना मीडिया दिखा देता है सबको पता है कि कौन इस मुल्क यानी कि अदारों को मज़बूत करना चाहता है इस मुल्क की मीशत को मज़बूत करना चाहता है इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है इस मुल्क में मोटरवेज़ के जाल बिछाना चाहता है बिजली के मसाइल को हल करना चाहता है महंगाई और बेरोज़गारी को दूर करना चाहता है और कौन इसके बरक्स कर रहा है शौरी या लाशोरी तौर पर तो हम अभी भी इसके बावजूद टेबल पे अगर मियाँ साहब ने कहा है सागडार साहब की ड्यूटी लगाई है तो क्यों नहीं ये मसाइल रिजॉल्व होंगे और वो माजी में भी जो बातचीत हुई है उसमें तब्दीली भी वक्ता फ़ोक्ता होती रही उस पर भी मुझे मैं कम अज़ कम मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि ठीक है अपने यानी कि सियासी मामला को ले कर और पब्लिक की यानी कि उनको भी थोड़ा सा पॉजिटिव जो मूड में है नून लीग वाले लेकिन स्वाति साहब आपके इरादे क्या हैं आपसे भी सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि माजी में बात पहले स्टेज पर एडवांस चल रही थी और हम सोच रहे थे कि एग्रीमेंट हो जाएगा आप उस मौके के ऊपर ट्रबल्स क्रिएट करते रहे पी टी वी स्टेशन वाला वाक़ पहला वाक़ है जिस दिन शाह साहब यहीं बैठे हुए मुझे कह रहे थे कि नहीं हम धावा नहीं बोलेंगे पार्लिमान के ऊपर ये मुकदस वहाँ ने कोई लफ्ज़ भी बोला था उन्होंने ये पता नहीं क्या है इसको बड़े मुतबर लफ्जों में उसका नाम लिया था और यहाँ से मैं वहां तक नहीं था गया तो पी स्टेशन वाला अटैक हो गया नहीं, देखें उसको तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ एज वेल हम जहां इनको कहते हैं कि आपको रास्ता दे वहां आपको अपना रवैया भी बदलना पड़ेगा पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल तौर पर उस वाक्य की मजम्मत करता हूँ और बिल्कुल अपने आप को अलग रखे हुए है कि ना हमने पीटी बी धावा बोला ना हम अरे भाई ने आप बहरहाल बुनियादी बात यह है कि हम कम अज कम नहीं है कौन था जाहिर है कोई और होगा नाम लेगा ना नहीं देखिये अगर कोई भी था तो गए और पैड दोनों थे नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता पीटीआई बहरहाल ये अब ये अब मसला नहीं है मसला ये है उसका नाम लेता जिसने अटैक किया था इस वक्त जो बुनियादी बात है

कोई लफ पता नहीं तो तो साहब ने सुना है ना वो सियासतदानों की बातों को समझ लेते हैं जुमरे मैं, मैं इस, इस से मुझे आप जो है रिकॉर्ड निकाल के अपना देखें मुशाह खान साहब जब भी पीपीपी के खिलाफ बात करते थे तो मेन इनका माहौल हुआ था सैनेट के अंदर भी और सेनेट से बाहर भी आज मैं सियासतदानों की सबसे बाहर हूं और ये और अमी साहब जो है ये सियासतदानों की अल्लाह तक मुबारक करे नहीं हाउ वैसे के अंदर ये जो थी ना मारा मारी वो निकलनी चाहिए वो रिवाज नहीं पानी रही बिल्कुल अगर मैं, ये निकल गए है तो इन्होंने अच्छा काम मैं साहब ये एक बात सही है एक जुमला बोलूंगा आप ही की बात हम मैं पीपल पार्टी के खिलाफ बोलता था लेकिन मैंने कभी पीपल पार्टी को अपना दुश्मन नहीं समझा या उनके किसी बंदे को हम तो कहते हैं आप कभी दुश्मन थे ही नहीं इसलिए आप एक पार्टी हैं मतलब हम तो ये कहते हैं कि भाई पार्टी पार्टी हैं। हैं। है, कम से कम कोई फर्क नहीं हम आपको भी दुश्मन नहीं समझते अल्लाह करे ऐसा हो आपको भी दुश्मन अब जो इसलिए नहीं समझते उसकी वजह है देखे आपकी पार्टी में हमारे और पीपल पार्टी के लोग है ना समझता एक ब्रेक ले मुझे ब्रेक ले ले ब्रेक से वापस आते हैं तो और बात होती है साथ ही दोबारा खुशा आमदीद कहते हैं मुशाह साहब और स्वाति साहब यहाँ हमारे साथ, साथ हैं और मखदूम साहब कराची में स्वाति साहब का जवाब अधूरा रह गया था स्वाति साहब सर बुनियादी बात यह है कि अभी एक अच्छी शुरुआत अगर हुई है तो उसको मनतकी जाम तक पहुँचाने के लिए और एक अच्छी फुटिंग इस्टेब्लिश करने के लिए ताकि आपका इलेक्शन कमीशन जो कमीशन है वो डिलीवर करें लोगों की ख्वाहत के मुताबिक जमहूरीत की ख्वाहत को हमारी नई जमूरियत की और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक उसके लिए जरूरी है कि जो बाकी पैनल है और हमें मैं तो समझता अच्छा हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं आपको अपना रवैया थोड़ा सा तमीरी करना पड़ेगा मैं इस बात का हम ही हूं कि इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म कर लें तंजीमें नौ कर लें उसके लॉज को रिव्यू कर लें सारा कुछ ठीक कर लें आप पार्लियामेंट्री कमेटी इन्होंने बनाई हुई है उसके साथ जाके काम तो करें एहतजाज करें अपना धरना वरना डी चौक में बैठे रहे आप लेकिन जो चीज़ें आगे बढ़ानी है वो भी तो बढ़ाए ना यार ये तो नहीं हो सकता कि वो कहेंगे नून लीग वाले कर गए हमें तो पूछा नहीं बुनियादी तौर पर जब ये कमेटी बनी थी दोनों तरफ से तो मेरा ये ख्याल है कि अगर उनकी सिफारिशात को आगे बढ़ाकर जिस पे अब हम कतन री ओपन और री निगोशियट जो है कतन नहीं करेंगे मेरा हमारा मौकाफ आ चुका है एक चीज़ जो है बाहमी तौर पर बैठ कर डिसाइड की है ये तो आगे, वो हिस्सा है जो आगे, आगे की बात साहब से डिस्कस किया हुआ दूसरा हिस्सा वो है जो उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने करना है जिसको साहब हेड कर रहे हैं वो है इलेक्शन की रिफॉर्म्स आपकी इलेक्शन लॉज को उसने रिव्यू करना है तो आप उसमें जाके बैठेंगे तो भाई आपकी बात होगी ना आपकी बात साहब तो नहीं करेंगे नहीं बैठेंगे तब जब हमने कहा कि कमीशन कमीशन जी बुनियादी बात तो है। का को तो हो, हो जाएगा तो जाइए फिर हम, उसके बाद वापस पार्लियमान जाएंगे इस बार जवाब सीधा दे हाँ या ना आप लोगों को सारे कॉम को आये लगाया हुआ है छे को अगर जुडिशल कमीशन डर साहब मान जाते हैं कि बना देते हैं बन जाता है सात आठ दस को बन जाता है फिर आप पार्लियमान में वापस जाएंगे नहीं मेरा ये ख्याल है कि फिर न जाने का तो कोई ऐसा नहीं नहीं सीधा जवाब देना जी क्वेश्चन मार्क देने उसके बाद बोले हम वापस पार्लियमान में जाएंगे नहीं, जुडिशल कमीशन जो है अगर बा मकसद बन जाता बन जाता है तो फिर तो मतलब है कि हम हम किसके लिए वहां पे बैठे हुए बुनियादी तौर पर जो मैं आपको कह रहा हूँ आप कहिए ना ऑडिट करना हमारा हक है मैं सपोर्ट करता हूँ वोट ऑडिट ऑनियर मैं आपको वोट ऑडिट ऑनर मैं समझता हूँ की अगर जुडिशियल कमीशन जो है बामकसद बन जाता है

बहुत सारी चीजें बहुत अरे भाई एक जुमला कह दीजिए मैं मखदूम क्या, क्या 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 हैं अगर बामक से जुडिशल कमीशन बन जाता है वोट ऑडिट के लिए तो फिर आप वापस पार्लियमान में जाएंगे हम हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे वापस पार्लियमान में जाए बिल्कुल पार्लियमान जाए तो बड़ी मुश्किल हुई है कहते हैं आपकी तरफ आ जाऊंगा पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में एक अच्छा रोल प्ले किया है इसमें नवाज शरीफ साहब को और इस प्रोसेस को उन्होंने डिटेल होने से बचाया है यहाँ उनको ये भी मशवरा दीजिए कि इनको भी रास्ता दे दें और उस प्रोसेस को जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको भी आगे लेकर चले मखदूम साहब मैं समझता तो हूँ कि जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि एक अच्छा और पॉजिटिव कदम उठाया गया है जिस पर मुतफ़ा फैसला हुआ है अब इसमें अगर और मकसद अगर मगर और बा मकसद के इश्यूज को जो है बीच में डालेंगे तो फिर वो दूध में से मैगड़ियाँ डालनी पड़ेंगी ये ना करें तो बेहतर है एक जज्बे के साथ आगे बढ़ें और उसमें जैसे आपने कहा कि बैठें बातचीत करें उसमें कमीशन का मामला भी होगा उसमें और भी चीज़ें होंगी असलाहत की भी बात होगी इलेक्शन कमीशन की नए सरे से उसकी तश्किल की भी बात होगी जब बैठेंगे मिलकर और दोस्तों की तरह बैठेंगे तो मसला हल होगा अगर बीच में थोड़ा सा भी अगर कहेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट स्वाति साहब कि बामकद बा मकसद दो लफ्सों में बहुत बड़ी जो है वो डिक्शनरी समाई हुई है तो मैं समझता हूँ कि उस डिक्शनरी को भी पॉजिटिव लाइन पर ले आएंगे तो मसला हल हो जाएगा वैसे इनकी इस डिक्शनरी को काफ़ी हद तक गुज्तर रोज़ हमारे पास इरफान सदीकी साहब थे तो उन्होंने कहा कि मीनिंगफुल रिजल्ट ओरिएंटेड टॉक्स होंगी तो ये चार लफ्स जो है ये सारा कुछ ही अपने अंदर लिए हुए हैं मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड तो उसके लिए मेरे ख्याल में दो दिन से ज्यादा इन्हें वक्त नहीं चाहिए इनके पेपर्स काफ़ी तैयार हैं सिर्फ आपस में एक सेंट इस इस बर्ड्स के ऊपर ये फंसे हुए पे मैं मिनट बात करता हूं। जी। बात यह है कि हमने दो ही चीज़ें जुडिशल कमीशन जाहिर है कि हमने खुद नहीं चुनना उसको जी चीफ जस्टिस ने जो है चीफ उसका जो मेके मेकअप है वो करना है पहली बात मतलब उसमें हम बिल्कुल एक पार्टी की हैसियत से एक फरीक की हैसियत से जाएंगे लेकिन कतन भी हम ये नहीं कह सकते कि इस जज को रखे उसकी जगह पहली बात तो मैं आपको बिल्कुल वाज कर दूसरी बात हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कम अज कम इसका जो नतीजा है जो रिजल्ट निकलना है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर हो और जो आलरेडी डिसाइड हो चुका है कि अगर तीस दिन नहीं है तो पैंतालीस दिन डेज उसमें देखे ना बुनियादी शराब ये फिर ये मैं मैं वाजि कर दू जिस तरीके से मुशाहिद खान ने कहा है हमने कभी भी एक संजीदा मुखरत जो थे वो हमने नहीं तोड़े तो उस में जाने नहीं। लेकिन तो। तो तो पार्लियामेंट और उस हूं कि अगर आज मुत शुरू हो जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरा ये ख्याल है कि हर आदमी जो ये चाहता है और हम सियासी जमात के मैं बिल्कुल आपको और आपके नाजरीन को सामने कह देता हूँ कि हमने कभी भी कभी भी चासी की से अज़, अज़, एक चीज मखदूम से पहले आप बताइए फिर मैं से पूछूंगा साहब ने कहा है कि दो साल बाद है। कहते हैं छह से आठ माह के बाद है और अब री इलेक्शन होंगे आपके ख्याल में ऐसी कोई डेवलपमेंट्स हैं ऐसी जो हमें नजर नहीं आएंगी और उनको लगा कि इलेक्शन होने वाले आसिफ जद्दारी साहब भी कह रहे हैं दो साल बाद इंत जो सूरत हाल है उसमें जो है वो कई सवाल जो है वो उठ रहे थे और एक तो ये सूरत यह हो रही थी कि फ़ोर असम्बली को डिज़ोल्व करो और फ़ौर अलेक्शन करवाओ उसके बाद जो है वो रूलिंग पार्टी का कुछ और प्रोग्राम था या ख्वाहिश थी बीच में चौधरी साहबान की एक अपनी थिंकिंग अपनी पॉलिटिक्स है मैं समझता हूँ कि आसफ़ अदारी साहब ने जो कहा है उसमें एक मन तक नज़र आता है कि दो साल अगर आप काउंट करेंगे तो 2015, 2016, पंद्रह हज़ार में इलेक्शन का आसफ़ साहब ने इंडिकेशन दिया है खुर्शीद शाह पहले से कह रहे हैं असेंबली का जो है वो दौरान दो, दो, या होना चाहिए चार साल बजाय पांच साल के चार तो साल, मैं समझता दोनों बातें आपस में टकराती हैं तो मैं समझता तो हूँ इसमें जो है वो सोच एक ही नजर आती है आगे तो अल्लाह को मालूम तो मखदूम साहब क्या आप सपोर्ट करते हैं कि की चार साल कर दी जाए जी जब पार्टी कहेगी तो मैं तो पार्टी से लड़ूंगा नहीं ना बिल्कुल सही बात मुशाहिद साहब साल पार्टी मेरे साथ पार्टी मेरे साथ लड़े तो लड़े लेकिन मैं नहीं लडूंगा पार्टी के साथ <laughs> बिल्कुल सही <laughs> साहब चार साल देखिए बात यह है कि चार साल अभी तो पाँच साल है चार साल अगर करना चाहते हैं तमाम पार्टियां मिल के तो किसी को क्या एतराज हो सकता है लेकिन अब ये आ, होता यह है कि एक इलेक्शन ये जो हुए हैं ये तो पाँच साल के लिए हुए हैं ठीक है इसका टन पाँच साल है 2018 में पूरा हाँ तो उससे पहले आप तय कर सकते हैं कि आइंदा इलेक्शन जो है उसकी टर्न ओवर चार साल ये अठारहवीं तरमीम के वक्त तजवीज आई थी मंजूर नहीं थी हाँ तो नहीं हुई ना तो अब अगर मंजूर भी होगी फर्ज करें और मंजूर हो सकती है हर तरह की तजवीज़ मेरे ख्याल में इसमें बुराई नहीं है कोई हाँ नहीं बुराई भी नहीं है कोई क्योंकि अपोजिशन इतना जल्दी आ, में पड़ जाती है लेकिन ये है कि जितनी पार्टियां कह रही हैं तो फिर अगला इलेक्शन जो है ना उसको उसके इनका से पहले उसका टर्न तय होना चाहिए कि पांच साल होगा या चार साल होगा इसकी तो पाँच साल ही अब तो ये इलेक्शन 2018 ही में होने तो उसके बाद उसको आपने चार साल करना है पाँच साल करना है तीन साल करना है ये यानी कि देखें जो मशहूर पार्टियाँ होती हैं अभी ये जो आज हुआ है फ़र्ज़ करें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आप देखें कि के एम एम और पीपल पार्टी के आजकल हालात अच्छे नहीं है ख़राब है मसले मसाइल हैं वहाँ पर कुछ दिनों से थोड़ा टाक शोज में भी अलताफ़ हुसैन साहब का भी बयान तो बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इसके बावजूद आज वहाँ पर किसी ने पीपल पार्टी या एम केम ने यह नहीं कहा कि ये इसे ये वरना यहाँ पर वो कहते हैं ना बकौल शख्स के गन तो डाला जा सकता था ना लेकिन इन दर लार्जर इंटरेस्ट और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स यही है <coughs> के आप ठीक है आपके अख्तलाफा होते एक दो बातों पर अख्तलाफ का ये मतलब तो नहीं है कि अब आपने शक्ल नहीं देखनी वैसे फखिर इम्राहिम साहब को इसी, इसी इसी चौक के साथ लाया गया था लेकिन बाद में इल्ज़ाम लगे और इल्ज़ाम पे नहीं थे लगने चाहिए वो ऐसे शख्स नहीं है कि इंतबात में धांधली करके जाके बैठ गए वो दो वजूहत से लगे एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बातियार नहीं था दूसरा ही वॉज टू ओल्ड टू हैंडल दिस जॉब वो बहुत बुढे ज़यीफ़ आदमी थे उनकी फैमिली पे अटैक हो गया वो कराची में बैठे रहे इधर आते भी कम थे बाद में तो ये बहुत सारे फैक्टर्स बने जो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे जो भी आप एड्रेस करना चाहिए जो तो। भी हैं लेकिन देखें फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जिस होता पता है क्या है जब आप गलती से भी किसी पे अपनी कंसेंट दे दें तो फिर उस पर स्टैंड करना पड़ता है फखन जी इब्राहिम को किसने मत उनकी हमने तो नहीं किया या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया आपके साथियों ने किया हाँ इन्होंने किया ना अब अल्लाह खैर करे सरदार रजा खान की कि वो इनके के भी रहने वाले हैं ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह इनके गैज़ और गज़ब से बच हाँ, इनके गैज़ और गज़ब से बच बल्कि इनके शर से बच जाए गज़ब से नहीं गैज़ और गजब का इतना इशू नहीं शर का मसला होता है ठीक तो है शर के साथ साथ, हाँ। साथ जो है अनायत हाँ। भी है कि अल्लाह ताला इनकी अनायत से उन्हें महफूज रखे और अल्लाह ताला जो है उनको एक पे नहीं। उसको अपना कम अज कम अपना आपके सामने बुनिया बात यह है कि थोड़ा सा हमें आ, अमीन फहीम साहब को भी आपने सुना और आपने शाहिद खान साहब को भी मेरा यह ख्याल है ये कुरान का हरफ नहीं है जो तब्दील नहीं हो सकता अल्लाह की तरफ से जो है एक मैं डेट नहीं है कि उस चेंज नहीं हो सकता बल्कि अगर सारी सियासी जुमतें बैठ कर इसको चार साल अब भी, अब के लिए भी अगर करती हैं मकसद ये सारी जुमतें एक अच्छी बेहतरी के लिए फैसला करती हैं तो उसके अंदर जो है कम अज कम फिर ये नहीं की जी इस साल तो नहीं तो अगले इस इस दफा के लिए पाँच साल और अगले के लिए चार साल एटी अमेंडमेंट भी जो हमने की थी हमने बड़े सोच समझ के और कमस कम अज कम उस वक़्त मैंने काफ़ी उसके इजलास जो थे वो इस्लाम में था बिल्कुल था और उनकी तरफ से जो है जब वो नहीं थे तो मैं कमस कम अज़ कम अटेंड करता था और बाकायदा तौर पर तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छी स्परिट जमुरीत के लिए अच्छी है कि अगर इस इस दफ़ा भी अगर चार साल के लिए होता है तो कोई बुराई की बात नहीं है ब्रेक ले लीजिए इस नुकते पर ब्रेक ले लें और बात करते हैं दोबारा खुश आमदीद कहते हैं स्वाति साहब ये फरमाएगा कि आर्ट को अब आप जाके पहिया जाम करेंगे फैसलाबाद में कारोबार बंद करेंगे शटर डाउन करेंगे या तो इन सब करके उसको रोक देंगे अभी फ़िलहाल क्या करेंगे नहीं नहीं बुनियादी तौर पर तो प्रोग्राम है इन शाह त फैसलाबाद के अंदर फैसला तकरीबन जितनी भी आर्ट्रीज़ हैं हमने बंद करना है

और ये हमारा बुनियादाह है शहबाज ने ने तो <laughs> शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने तो हमसे ज्यादा किया है तो इसमें इस कम अज कम ये नहीं कह सकते लेकिन आ, ये कल का जो वाक़ हुआ है खासकर हमारे जो मज़ूर और नबीना नबीना अफराद पर मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही ज्यादती है और अगर ऐसा कोई वाक्य न हुआ तो बिल्कुल पुरन होगा देखें आज तक जितने भी हमने

मैंने पिटाई शिठाई किया पिटाई ये एक दूसरे की खुद ही लगाते हैं हर प्रोग्राम में तो हमें क्या जरूरत है लगाने की लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक तो ये इन्होंने बात की इन्हें मैसेज आया होगा तो कि ना नाबीना की बात करें अच्छा की किए इन्होंने और वो ज़्यादा वाकई हुई है पुलिस ने वहाँ पे लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि जब आई डी पीस पे लाठी चार्ज होता है और उनमें से एक बंदा भी मर जाता है उस वक्त इनकी ज़बानों में ये बड़े बड़े ताले लगे हुए होते हैं उनका ख्याल नहीं एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा लाठीचार्ज करके उनको जख्मी कर चुके हैं दर्जनों लोगों को बंदा एक मरा भी आई डी पे ठीक है ये लोग मारते हैं जितना वो काबिल मजम्मत उतना ही का नहीं लेकिन, लेकिन, लेकिन मैं लेकिन ये कहता कह रहा हूँ नहीं जस्टिफिकेशन नहीं मैं बात जस्टिफिकेशन मैं बात ही और कर रहा हूँ मेरी बात सुन ले मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जरूर करें लाहौर में अगर कोई इशू होता है लेकिन आप अपने गिरबान में भी जाके अपना एहतसाब करें आपने अगर आपने आगे बढ़ना है ना वो हर वो काम मसलन कहते हैं जी टेन ओवर इन्हें नहीं है टेन ओवर भी अभी खल रहा है कि ये पाँच साल क्यों है भाई बाहर पाँच साल के लिए हुआ ना ये इलेक्शन ये हमने तो नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ना अच्छा आपने इसमें तब्दीली तब्दीली करनी कर दें अच्छा मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पीटीआई के अलावा ये भी तरमीम अगर कर दें मुझे कोई इतराज़ नहीं है कोई तरमीम कर दें कि पीटीआई के अलावा जितनी पार्टियाँ हैं वो जीते हैं तो टेन ओवर पांच साल का ये जीते तो दो साल का क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है अच्छा ये जीते तो टेन ओवर दो साल होना चाहिए कर, कम कर रहे हैं ना तो, तो चार के बजाय दो करें ना तो इसको एक... तो इस, तो इस तरह से कर लेना एक मिनट आप हमारा टेन ओवर क्यों खत्म कर रहे हैं आप अपना पहले से करें ये दो साल क्यों कर रहे हैं आप ये इसलिए कर रहे हैं कि दो बातें हैं इसमें एक तो ये हमारा टेन कम करने के चक्कर में दूसरा इनके पास कैपेसिटी नहीं हम तो करते रहे पहले पांच पांच साल हकूमत हमें तो मालूम है पांच साल कैसे गुजारने ये नहीं गुजार आज तक आपकी वैसे साल चली कोई नहीं है मेरी बारी तुम पिछली ले तीसरी बात यह है कि ये जो देखें मैं इनको एक अपील करना चाहता हूं देखें इस मुल्क ने हम सबको बहुत कुछ दिया है इस मुल्क से हमें किसी किस्म का इंतकाम नहीं लेना चाहिए हमें कोई ऐसा एहत नहीं ये कह रहे हैं ना हमने भी किया लेकिन जिस वक्त मसला हल हुआ वहीं से वापस हुए ठीक है हमने इस तरीके से नहीं किया कि चाइनीज सदर को आने से हमने रोक दिया हो यहाँ पे कई और फिर यहाँ पे हमले हुए यहाँ पे हमने इन्वेस्टर को रोका महंगाई जो है हुई डॉलर की कीमत बढ़ी स्टॉक एक्सचेंज गिरा इनकी वजह से ये इंतकाम लेना है मुल्क से इससे आपको ये सारी ज़िंदगी तक़ुब करेगी ये बात जो आपने ये कर दिया है तो मैं ये कहता हूँ हर किस्म का एहतजाज करें आप शहर बंद कर रहे हैं आप लंदन बंद करने जाके बल्कि हो सकता है इनका कोई पता नहीं है कल को ऐलान करें न्यूयॉर्क बंद कर रहे हैं ओवरसीज में इनके बंदे ठीक है न्यूयॉर्क बंद कर दो, दो ताकि जनाब ये एकदम वहां से प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा ना ये हमारी हुकूमत ही गिराना चाहते हैं चार हल्के वल्के कुछ नहीं तो भाई आप जो मर्जी करें लेकिन बराए मेहरबानी लेकिन वहां ये कुछ नहीं करते वहां वहां ऐसे ठीक होते हैं यहां तो ये यह मानते ही नहीं ना किसी कानून को ना पार्लियामेंट को मानते हैं ना किसी चीज को मानते हैं ये थानों पे हमले करते हैं वहां से बंदे छुड़ा के ले जाते हैं ये करें ना जरा लंदन में जाके इस तरह का काम ठीक तो साँ, साँ, बात जाँग 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 है मैं जरा जवाब जवाब दे दे बुनियादी तौर पर शाहदुल्ला खान साहब ने कहा कि ये हमारा मुल्क है इससे इंतकाम ना ले इंतकाम ना ले मैं वही इनसे इंतकाम मुसीबत यह है कि इनके अमल और कोल में फर्क है इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर ये खुद नहीं कर रहे अपने पैसे बाहर रखे हुए खुद मुल्क की तबाही के जामने के ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल पे खर्च करना चाहिए वो कर नहीं रहे जंगला बस और ये मेट्रो बस पे जो है खर्च कर रहे हैं जिससे अब मैंने जब आपने बात की ना तो मैंने कोई बात तो नहीं किया मुझे बस ताकि वो फिर लंबा टाइम लग जाएगा आईडीपी जो है उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है अगर लाठी चार्ज है तो फेडरल वहां पे सारा टेक केयर कर रही है अख्तियार है वो हमारे पास नहीं है वो वहां पर आपका फेडरल जब वो ऑर्डर देते है तो जाहिर है कि वहां की पुलिस देखे हमारे तो रास्ते बंद किए गए तीस तारीख को हमारे रास्ते बंद किए अगर हमने लाठी चार्ज करना था तो उसको खत्म करते हम तो अपने तब्दील करके आए कि कोई हम प्यार नहीं करते तो हमने देखे मॉडल टाउन के अंदर जैसे है। है हमने नाबीना जैसे लोगों का शुक्र है बुनियादी बुनियादी बात यह है हमें कैपेसिटी भी है और इनशालाक्मरानी करने का तरीका क्या आवाम का तरीका मखदूम साहब क्लोजिंग रिमार्क क्या पहना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव राउंड होने चाहिए दो जिसमें मामला सुलझ मैं समझता हूँ कि पहिया जाम स्ट्राइक्स वगैरह जो है वो मुल्क की इकानी को डैमेज करते हैं उन चीज़ों से अगर हम गुरेज करें तो अच्छा है और मसला ये है कि हमारे हमारे एक बेचैनी के आलम में हम सारे रोग गुजर रहे हैं हम चाहते हैं कि जो हम सोचें वो फ़ॉर हो जाए अगर नहीं हो तो उसकी वजह से डू वाट एवर यू वन थोड़ा सा तदबर थोड़ा सा इंतज़ार थोड़ा सा अपनी कोशिशों को पॉजिटिव लाइन पर लगा करके मुल्क को बढ़ाएँ और ये मैं समझता हूँ कि एक दिन अगर आप शहर को बंद करते हैं तो आपको अंदाजा है कि कितने इकोनॉमी को कितना धचका लगता है आप अगर एक एक आर्टरी बंद करें फैसलाबाद की या लाहौर की या कराची की या पूरे पाकिस्तान को बंद करें तो उसका नुकसान तो आपका भी होगा सिर्फ हमारा या किसी और का नहीं होगा अब वक्त आ गया कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ेंगे नहीं मिल रहा अदालतों से नहीं मिल रहा नहीं हम मिल रहा। कहां जाए और आ क्या कह रहे हैं हम हम कह रहे हैं कि सिर्फ ऑडिट जो है मेहरबानी करके कर दें इसलिए कि हमारा बुनियादी जमहूरी और आईनी हक है और अगर इसके अंदर अगर म की ताकत जो है अगर उसको भी तो आप कर सकते नहीं कर तो आप इस मुल्क में महंगाई आपने, आपने ये सारे सारे काम जो है नुकसान कर चुके हैं आप आपने पीपल पार्टी के खिलाफ सारे ये काम खुद किए हैं आपने अगर आपको भुगतना पड़ रहा है रियासत में हमले किए आपको पता है आपने कितनी बुरी आपने बात तो सुप्रीम कोर्ट पे आप लग गए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है आप टीवी तो पे कब्जा कर लिया आपने कतन नहीं आजम स्वाति साहब पहले खान साहब मखदूम और मेन फहीम साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़